कभी 10 घंटे पढ़ा, कभी 8 घंटे पढ़ा, कभी 14 घंटे भी पढ़ा, रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और ये जो यूट्यूब पे टॉपर्स बोलते हैं, ये सब झूठ बोलते हैं सब। कोई टॉपर जो तुमसे कहे मैं 15 घंटे पढ़ता था, मेरे पास लेकर आओ। दीना दाबी, कोई भी, ये सब मेरे स्टूडेंट रहे, किसी को भी लेकर। दो चीज अगर आप महान बनना चाहते हैं ना, दो चीज आपकी जिंदगी में होंगे, एक चैलेंजेस, एक स्ट्रगल। और दोनों चीजों को आपको एंजॉय करना है। आपको ये नहीं कहना कि बड़ा पढ़ना पड़ रहा है, हाँ आपको कहना कि बड़ा मजा आ रहा है, बहुत पढ़ना पड़ रहा है। आते हैं स्टूडेंट्स मेरे पास, सर डेली पढ़ना पड़ता है। पैसा भी तो डेली कमाओगे, मेहनत बहुत लग रही है, फिर पैसा एक साल में कमाओगे 100 करोड़ रुपए। आई एम नॉट हियर फॉर करप्शन। जाओ यार, उल्टी सीधी बातें मत करो, भागो यहां से, हटो। आई एम हियर टू सर्व माई नेशन, यू इडियट, गेट आउट फ्रॉम हियर। जो भीख मांगे होते ना, वो बड़ी आइडियलिस्टिक बातें करते हैं। जैसे यू आर अ कलेक्टर एंड योर ड्राइवर सेज कि सर हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं। नहीं करोगे तो जिंदा भी तो नहीं रहोगे। इट्स अ कॉम्पिटिशन, सेकेंड पॉइंट, इट्स अ कॉम्पिटिशन एंड यू आर अ कॉम्पिटिटर एंड यू हैव टू डेवलप टैलेंट। एंड वॉट इज टैलेंट? द आर्ट टू हैंडल चैलेंजेस एंड स्ट्रगल। 6 घंटे आपको पढ़ने हैं, बैठ के पढ़ने ही पढ़ने हैं। अभी उसमें आ रहा हूं, क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। 6 घंटे आपको पढ़ने हैं, सिटिंग 15 घंटे सिटिंग मत दिया करो यार। और ये जो यूट्यूब पे टॉपर्स बोलते हैं, ये सब झूठ बोलते हैं सब। कोई टॉपर जो तुमसे कहे मैं 15 घंटे पढ़ता था, मेरे पास लेकर आओ उसको। टीना दाबी, कोई भी, ये सब मेरे स्टूडेंट रहे, किसी को भी लेकर मेरे सामने बोलो। हाँ, फिर मैं इस बात को रिपीट करूंगा, 6 घंटे सिटिंग दो। सिटिंग जैसे तुमने आज डिसाइड किया, अच्छा एवरी ब्यूरोक्रेट, एवरी किंग हैज अ डायरी। कल तुम्हें एक सबऑर्डिनेट मिलेगा जो तुम्हारे पूरे दिन का कार्यक्रम रखेगा। डायरी इज अ वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ एरिस्टोक्रेसी। कल तुम कलेक्टर हो गए ना, तो तुम अपने पीए से पूछोगे कि हाँ भाई पांडे, आज का प्रोग्राम क्या है? सर आज फीता काटना है। अच्छा ठीक है, ये करना है, एक आदमी को गोली मारनी है सर, ठीक है सर। तो वो चीज तुम आज से शुरू करो, अपने दिन भर की हर डे। जैसे तुम उठते हो ना, तो जो तुम कर लेते हो, जैसे तुमने पूजा वूजा करनी वो कर ली, फिर उस दिन की डायरी बनाओ कि आज मुझे ये टारगेट है और मुझे ये करना है। और शुरुआत में छोटे छोटे टारगेट्स बनाओ। पहले दिन इतना टारगेट बना लिया, कोमा में चलेगा, ऐसे मत करो। हमारे जानने वाले वो आईसीयू में पहुंच गए योगा करते करते। अब उन्होंने कपाल सुना था, कपाल भाती करने से चेहरे में शाइनिंग आती है। और पहले दिन कर दिया 1-1.5 घंटे, कुछ इंटरेस्टिंग इधर उधर हो गए। हमारा मन जो है ना, वो बड़ा अजीब बिहेव करता है, कहता पहले दिन कर लो, पहले दिन आज ही सिलेक्शन ले लो, आज ही सब पढ़ लो। ऐसे मत करो। वेन एवर यू स्टार्ट अ थिंग, स्टार्ट विद अ स्लो पेस। जैसे आपने कार चलानी सीखी ना, तो शुरुआत में आपने बहुत धीरे कार चलाई, फिर जब आप कॉन्फिडेंट हो गए और वो मैनेजमेंट आ गया आपको क्लच ब्रेक और एक्सेलेटर का, तो आज आप 100 की स्पीड पे चलाते हैं और साथ में स्प्राइट भी पीते हैं। आप 6 घंटे सिटिंग दीजिए, आप अपनी पढ़ाई को 2 पार्ट में डिवाइड करिए, 6 घंटे सिटिंग दीजिए और 6 घंटे कंसोलिडेशन।